गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज जो है हम हमारा छठा पाठ देख रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है जापान, ठीक है। और जो है इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने शुरू किया था। अभ्यास कार्य में हमने कुछ प्रश्न भी देखे। आज जो है प्रश्न क्रमांक 3 देखने वाले हैं। देखिए, नीचे दिए प्रत्येक वाक्य में एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द के स्थान पर सही शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। नीचे दिए प्रत्येक वाक्य में एक शब्द की वर्तनी कैसी है? अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द के स्थान पर सही शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पहला वाक्य है, हमें यहाँ पर वाक्य दिया गया है और वाक्य में जो है दिए गए शब्द की जो है वर्तन क्या है? अशुद्ध है। हमें जो है शुद्ध करके वाक्य जो है दोबारा लिखना है। देखिए, तुम किस धर्म को मानते हो? यहाँ पर धर्म, ये जो है इसकी जो है वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। हमें शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए, तुम किस धर्म को मानते हो? प्रश्नार्थक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, तो इस तरह से ये वाक्य लिखेंगे। तो लिखिए, तुम किस धर्म को मानते हो? आगे देखिए, अगला वाक्य है, मैं उनका सम्मान करता हूं। सम्मान, ये जो है गलत है। ये शब्द कैसा है? सम्मान। तो देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, इस तरह से आप लिखेंगे। आगे देखिए, जापान के लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। प्रेमी, ये जो है अशुद्ध है, ठीक है। तो आपको जो है ये क्या लिखना है? प्रेमी लिखना है ना। तो देखिए, जापान के लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। तो ये प्रेमी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। प्रेमी, ये जो अशुद्ध शब्द है इसको शुद्ध करके आप इस तरह से लिखेंगे और वाक्य पूरा होगा, जापान के लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध, ये जो शब्द है ये अशुद्ध दिया है, हमें शुद्ध करके लिखना है। देखिए किस तरह से होगा, जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। आप जो है विश्व इस तरह से लिख सकते हो और इस तरह से लिख सकते हो, तो आप इस तरह से लिखिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भाषा की बात से अगला प्रश्न है, भाषा की बात से देखिए, प्रश्न है, विद्या जमा अर्थी से विद्यार्थी शब्द बनाएं। आप भी इसी प्रकार शब्द बनाइए। देखिए, विद्या जमा अर्थी से जो है क्या बना है? जी हाँ, विद्यार्थी, ये शब्द बनाए। यहाँ पर देखिए, दो शब्दों के मेल से जो है एक शब्द बना है। विद्या एक शब्द है और आलय ये शब्द एक है, तो इनसे एक शब्द बनाना है, तो बनता है जी हाँ विद्यालय। अगला जो शब्द बनाना है, देश, ये एक शब्द है और भक्त, ये एक शब्द है, तो शब्द बनता है देशभक्त। इन दोनों के योग से क्या बनता है? देशभक्त, ये शब्द बनता है। आगे देखिए, देव जमा आलय, देव जमा आलय, तो यहां पर इन दोनों के योग से देव और आले, इन दोनों शब्दों के योग से क्या बनता है शब्द? जी हाँ देवालय। और अगला जो शब्द है वो है महाजमा आत्मा, महाजमा आत्मा, इन दोनों शब्दों के योग से बनता है शब्द महात्मा। आपको लिखना है महात्मा, ठीक है। अब देखिए आगे, अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए वाक्यों में सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर देखिए, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और कोष्ठक में जो है जो हमें चुनकर सही शब्द चुनना है वो दिए गए शब्द है, तो कोष्ठक में से हमें जो है सही शब्द चुनकर जो है वाक्य को पूरा करना है। तो वाक्य है, पहला,
मैंने माता पिता को रिक्त स्थान किया, क्या किया, परिणाम किया या प्रणाम किया? जी हाँ, प्रणाम किया, प्रणाम किया। ठीक है, तो लिखिए मैंने माता पिता को प्रणाम किया। आगे देखिए अगला वाक्य है, कल मेरा परीक्षा रिक्त स्थान निकलेगा, क्या निकलेगा, परिणाम निकलेगा, परिणाम निकलेगा या प्रणाम निकलेगा, बताइए, परिणाम निकलेगा या प्रमाण, प्रणाम बताइए क्या निकलेगा। जी हाँ, कल मेरा परीक्षा परिणाम निकलेगा, मतलब क्या है, परीक्षा का रिजल्ट कल लगेगा, है ना, ऐसा। आगे देखिए अगला वाक्य है, हमें सदैव बड़ों का रिक्त स्थान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए या सम्मान करना चाहिए? जी हाँ, सम्मान करना चाहिए। तो लिखिए हमें बड़ों हमें सदैव बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आगे देखिए अगला वाक्य है, लड़का और लड़की एक रिक्त स्थान है, क्या है, सम्मान है या समान है? जी हाँ, समान है। तो लिखिए समान है। आगे देखिए अगला वाक्य है, प्रत्येक जापानी अपनी रिक्त स्थान भाषा बोलता है, क्या करता है, मातृ या मातृ, क्या है, मातृभाषा बोलता है। आगे देखिए, मुझे रिक्त स्थान एक पेंसिल चाहिए, क्या चाहिए, मातृ या मातृ, जी हाँ मातृ, मातृ यानी क्या, केवल, मुझे मात्र एक पेंसिल चाहिए, यानी क्या, मुझे केवल एक पेंसिल चाहिए। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पढ़िए। तो देखिए दिए गए विराम चिन्ह जो है हमें लगाना है, मैं एक आपको करके दूंगा, बाकी के आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो देखिए, तुम किस धर्म को मानते हो, यहाँ पर इस वाक्य में आपको क्या पता चलता है, बताइए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछा गया है ना, प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर किस, ये जो है प्रश्नवाचक शब्द आए हैं ना। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है आपको विराम चिन्ह लगेगा प्रश्नार्थक, ठीक है, तुम किस धर्म को मानते हो। आगे देखिए अगला प्रश्न है, शब्द जो आपका वाक्य है, यह बच्चों का पर्व होता है, तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में आप जो है कैसे लिखेंगे। आगे जो है और भी वाक्य है, ये सभी जो वाक्य है ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। विद्यार्थियों, विद्यार्थी ने कहा महात्मा बुद्ध तो भगवान है, ये एक वाक्य है। जापानियों का प्रिय भोजन चावल मछली फल और सब्जी है, अरे वाह कितना सुहावना मौसम है, ये जो है ये सभी जो शब्द है या ये जो वाक्य है इनमें योग्य स्थान पर, सही स्थान पर जो है आपको विराम चिन्ह लगाना है। और अंतिम जो प्रश्न हम देखने वाले हैं वो है, देखिए प्रश्न क्रमांक 4, पाठ में से ढूंढकर दिए गए शब्दों से पहले सही विशेषण लगाइए। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें पाठ में से ढूंढकर जो है सही विशेषण लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो उचित और सही विशेषण लगाना है वो है, एक हमें करके दिया गया है, शब्द दिया गया है संत, और विशेषण लगाया गया है महान संत। उसी प्रकार पर्व, ये एक शब्द दिया गया है और विशेषण लगेगा अनोखा पर्व। गुड़िया, ये एक शब्द दिया गया है और जो है विशेषण लगेगा सुंदर गुड़िया। और जो है आगे देश देश जो है शब्द दिया गया है, और जो है हमें पाठ में से ढूंढकर जो हमने विशेषण का इस्तेमाल किया गया है वो है समृद्ध देश। पोशाक, पोशाक ये जो शब्द दिया गया है इसके लिए पाठ में से जो उपयुक्त और सही विशेषण है वो है परंपरागत पोशाक। और अंतिम शब्द दिया गया है कागज, कागज इस शब्द के लिए पाठ में से जो हमने ढूंढा है विशेषण, सही विशेषण वो है रंग बिरंगे कागज।
ये जो है सभी प्रश्न आपको लिख कर लेने हैं। इस तरह से ये जो पूरे जो प्रश्न हैं हमने देखे हैं अभ्यास कार्य के, इसके आगे जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।